है एवरीवन, आज हम क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलीनोमियल्स पहले हम लोग कहते किसे हैं ये देखेंगे। ठीक है, पॉलीनोमियल्स। अच्छा, पॉलीनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको दो चीज आप क्लास नाइन्थ से आप लोग जानते होंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं और टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास नाइन्थ का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात बता देते हैं कि आपको वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी पूरा जेड तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीनोमियल्स में अधिकतर टर्म्स हम लोग एक्स वाई और जेड का ही यूज करते हैं। किसका, एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड का यूज करते हैं, मतलब पूरे अल्फाबेट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आप लोग अगर अल्फाबेट को उठा लीजिए, अगर बोलिएगा वेरिएबल है तो हाँ वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है ये मालूम हो गया। अब हमें जानना होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर्स हो गया, वन टू थ्री फोर, कोई भी जो नंबर्स होता है जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और चाहे कांस्टेंट बोल जो होते हैं, नंबर पाथ बोल दो, क्या बोल दो, नंबर कांस्टेंट बोल दो, चाहे नंबर पाथ बोल दो, नंबर पाथ, ये नंबर पाथ से इनको बोला भी जाता है, इनको नंबर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कि टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो टर्म्स हम लोग क्या कहते हैं कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ जब मिले हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ मिले हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स। जैसे देखिए 2x एक टर्म्स हो गया, 3y एक टर्म्स हो गया, 3a एक टर्म्स हो गया, 3b एक टर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये एक टर्म होता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये कोई टर्म्स है कि नहीं, ये बताइए, 2x स्क्वायर कोई टर्म्स है कि नहीं, तो ये भी एक टर्म्स है। मतलब वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर लगा हुआ है तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल ही कहते हैं। किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर लगा है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये पावर जो होता है, ये पावर आप नोट्स में लिख लीजिए कि जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के ऊपर, लिखेंगे पावर्स ऑफ वेरिएबल इन पॉलीनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। ये क्या होते हैं, हमेशा एक होल नंबर होते हैं। मतलब जो पावर होता है वेरिएबल का, मतलब जो वेरिएबल के ऊपर जो भी ये पावर लगा होता है, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, मतलब हमेशा एक होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो भी पावर्स होते हैं वेरिएबल के ऊपर उसे हम लोग होल नंबर में लेते हैं। जैसे अब 1.2 कोई वेरिएबल के ऊपर कोई पावर बोलेगा कि सर 1.2 होता है, तो ना, 1.2 क्या होता है, कोई होल नंबर है नहीं, जीरो से लेकर पूरे काउंटिंग नंबर को हम लोग होल्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि पॉलीनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम देखेंगे पॉलीनोमियल्स का डेफिनेशन। देखिए पॉलीनोमियल्स क्या होता है, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। मतलब पॉलीनोमियल्स एक चेन है, चेन मतलब एक गठित, बहुत सारे चेन बोलते नहीं कि बहुत सारे लाइन से बने हुए हैं, एक टर्म्स जो होता है, मतलब एक टर्म्स बना रहता है ना, उसे हम लोग पॉलीनोमियल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ अगर चेन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, चेन किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक संख्या अगर एक साथ जुड़े हो उसे हम लोग चेन बोलते हैं। ठीक है,
तो जब बहुत सारे पॉलीनोमियल, दो से अधिक पॉलीनोमियल जब एक साथ जुड़ेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल्स। जैसे 5x एक टर्म्स हो गया, ठीक है, माइनस 2y एक टर्म्स हो गया, और ये दोनों टर्म्स के बीच में जब प्लस और माइनस को हम लगा देंगे तो इसे इसे हम लोग क्या बना लेते हैं, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, किसी भी सिंबल का अगर यूज कर लेते हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जब दो टर्म्स के बीच में, उसे हम लोग पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, और प्लस टू, ये प्लस टू भी एक टर्म्स है, आप लोग इसे भी, अब मैं बोला हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर ही टर्म्स बनते हैं, तो ये सही है। लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, टू है लेकिन वेरिएबल कहाँ है, तो इसका ये आंसर है कि ये टर्म्स है। देखिए कैसे, टू एक्स का पावर अगर आप लोग जीरो मान लीजिएगा तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और एक्स का पावर जीरो का मतलब वैल्यू क्या होता है, वन। ठीक है, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक क्या है, टर्म्स है, क्योंकि इसके साथ छुपा हुआ कौन सा है, एक्स का पावर जीरो वेरिएबल छुपा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर पॉलीनोमियल्स क्या होता है। अब देखिए पॉलीनोमियल्स को हम लोग संख्या के हिसाब से उसको बांट देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल को क्या बोलते हैं, जो एक टर्म्स वाले जो टर्म होते हैं उसे हम लोग, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलीनोमियल्स। 2x जैसे एक ही टर्म हो, या 3x सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली मोनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बाई, नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब दो, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, 5x प्लस 3, यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल्स। अब तीन टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तीन टर्म्स हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ट्राइनोमियल्स। अगर चार टर्म्स होंगे तो उसे हम लोग सिंपल ही पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। अगर चार से अधिक कोई भी टर्म्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल्स। मोर देन थ्री टर्म्स। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको क्लियर कर दें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अभी हमें क्या देखना है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। देखिए डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री का पहले डिफिनेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का सीधे लिखते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं चेन बनाते हैं उसे हम लोग, मतलब बहुत सारे टर्म्स एक साथ जब जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या होता है, पॉलीनोमियल। और उन्हीं पॉलीनोमियल में से डिग्री किसे बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा उन सारे पॉलीनोमियल का, उसे उन वेरिएबल का। ठीक है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए जैसे कोई पॉलीनोमियल है 5x² + 3x + 4। अच्छा, इसमें बताइए वेरिएबल कौन सा है, ये x वेरिएबल है, x स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक छुपा हुआ x का पावर जीरो वेरिएबल है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर छुपा हुआ 0 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक है, एक और देख लेते हैं, उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, डिग्री भी आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 7x² - 18x6 पावर क्या है, 3x² + 4x² + 3 = 3। अब देखिए इसका यहाँ पे डिग्री लिखना है कितना होगा, इसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वेरिएबल कौन कौन सा है, 3x² + 6x² - 2, और यहाँ पे क्या है, 0 है छुपा हुआ, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, पावर 6, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 6। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक हमारे डिग्री भी खत्म हो गया। कोई अगर डिग्री आपको निकालने के लिए देगा, आप लोग इजीली निकाल लीजिएगा, पॉलीनोमियल दिया रहे उससे आप लोग डिग्री निकाल सकते हैं। अब हमारे एक यहाँ पे टर्म्स आता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीनोमियल्स। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीनोमियल, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अच्छा इसको अलग ही एक हम लोग बता देते हैं, ठीक है, इसी में क्या करें, अलग ही कर देते हैं इसको, अरेंजमेंट
ऑफ पॉलीनोमियल। ये कोई ये आप लोग जानते होंगे क्लास 9 से, लेकिन फिर से हम बता देते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अरेंजमेंट कैसे होता है, देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है ना पॉलीनोमियल का, उसे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले रखते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 8x² - 40x⁶ + 4x³³ + 3। ठीक है, अच्छा इसमें अब पॉलीनोमियल को अरेंज कैसे करते हैं, ये देखिए हाईएस्ट जो पावर होगा उसे हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है, ये x⁶ है, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले रखते हैं। तो इसे हम लोग पहले रखेंगे और जो सिंबल जिसके साथ लगा होगा उसको हम लोग ऐसे ही उतारते नोट करते हैं। ठीक है, सिंबल को चेंज नहीं करेंगे। तो 40x⁶, इसके बाद कौन सा है 3x³ है, इसके बाद तो +4x³, इसके बाद कौन सा है +8x² और फिर लास्ट में +3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट हो गया पॉलीनोमियल का। ठीक है, एक और आपको बता दें कि क्लियर है, चलिए एक और बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर 5x³ ठीक है +6x⁶ और +7x+4, इसको अरेंज करना है। ठीक है, कैसे करिएगा, हाईएस्ट इसमें से पावर कौन सा है x⁶, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर x⁶, इसे पहले रखिए 6x6। ठीक है, प्लस इसके बाद कौन सा है x³, तो 5x³, इसके बाद ये 7x और लास्ट में 4, ये भी अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट आ गया पॉलीनोमियल्स का। अब देखिए अब क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में पॉलीनोमियल को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन सा, एक होता है लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर मतलब जो क्या है, एक पावर से मिलकर बना हो, मतलब इसका वेरिएबल का पावर क्या है सिर्फ 1 हो। ठीक है, उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 2x+6, देखिए इसका पावर क्या है x का, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 0 है, मतलब 1 से अधिक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। इसके बाद देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसका पावर हाईएस्ट पावर कौन सा है लीनियर, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 हो, हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही ना है, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा 1, तो लीनियर पॉलीनोमियल, और जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे 4x² + 7x + 3, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, इसका पावर 1, इसका पावर x का पावर 0 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है x का पावर 2, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। इसका आता है क्यूबिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, जैसे 3x³ - 2x² + 2x - 4। अब देखिए इसमें यहाँ पे x का पावर 0 होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया x का पावर 3, तो जिसका हाईएस्ट पावर x का पावर 3 होगा उसे हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका पॉलीनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जो भी वीडियो को पॉज करके ये सारे को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको ईजी हो, क्वेश्चन बनाते समय इस सब का काम आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, और सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है।